नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नैनो यूरिया और जो कीटनाशक होते हैं जैसे कि कोरोजन, क्या हम इनको मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं या फिर ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है FMC कंपनी की कोराजन, जिसके अंदर होता है क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 18.5% SC फॉर्म के अंदर, यानी कि गाढ़े सफ़ेद रंग के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको निकालेंगे। अगर इसकी कीमत की बात करें तो तकरीबन 30 ml के पैक की कीमत लगभग 400 रुपये के आसपास है, 10-20 रुपये ऊपर या नीचे आपके मार्केट के हिसाब से हो सकती है, यानी कि काफ़ी महंगी दवा हम इसको बोल सकते हैं। दूसरी तरफ है इफ़्को की तरफ से नैनो यूरिया जो लॉन्च किया गया था, जिसको नैनो पद्धति से बनाया गया है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये फसल की जो नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसकी पूर्ति करता है, जिसकी वजह से फसल का जो विकास है वो काफ़ी अच्छे से होता है, टिलरिंग ज़्यादा होती है, ब्रांचेज ज़्यादा निकलती हैं और जो आपका उत्पादन है वो बढ़ जाता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यूरिया की कमी को, यानी कि नाइट्रोजन की कमी को ये पूरा करता है। लिक्विड यूरिया आप इसे बोल सकते हैं। इसकी 500 ml की एक बोतल तकरीबन 240 रुपये की आती है, और अगर बात करें एक एकड़ की डोज की तो इसकी जो एक एकड़ की डोज होती है वो है तकरीबन 250 ml, 2 से लेकर के 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन एक एकड़ के अंदर इसका तकरीबन 250 ml का पैक यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आप कोराजन और इफ़्को नैनो यूरिया को मिलाते हैं तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इफ़्को यूरिया का जो नैनो यूरिया है और जो FMC की कोराजन है या किसी और कंपनी की आप कोराजन ले सकते हैं, अगर आप इसको मिलाते हैं तो तुरंत ही जो घोल है वो फटने लग जाता है। फटने का मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूँ कि जो घोल किसी भी दवा का घोल अगर आप बनाते हैं किसी अन्य दवा के साथ या फिर नैनो यूरिया के साथ या किसी और दवा के साथ, तो अगर वो घोल फटने लग जाता है तो सीधा सा मतलब ये है कि आपको उन्हें नहीं मिलाना है। अगर आप इन दोनों को, जैसे कि इफ़्को का नैनो यूरिया है और कोराजन है, अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं और घोल फट जाता है, जिन भाइयों ने मिला लिया हो इस वीडियो को देखने से पहले, तो वो बिल्कुल फेंकिएगा मत घोल को, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो आपको आधे से भी कम मिलेंगे। यानी कि आपके जो पैसे हैं, अगर आपके पैसे हम मान लेते हैं कि आपके पैसे लगे 500 रुपये, तो आपको रिजल्ट मिलेगा मुश्किल से 200 रुपये का, यानी कि टोटल लॉस आपका होने वाला है, कोई फ़ायदा इससे आपका नहीं होने वाला। तो सीधी सी बात है कि कीटनाशकों को नैनो यूरिया के साथ मिलाकर यूज नहीं करना है, कोराजन को जो है नैनो यूरिया के साथ मिलाकर स्प्रे नहीं करना है, ड्रेंचिंग नहीं करनी है, इन दोनों को मिक्स आपको नहीं करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितने भी किसान साथी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं कामना करता हूं कि आपका आज का दिन शुभ हो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।